गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आई बुक के पेज नंबर 182 में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ए नंबर देखिए, द डिग्री मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। जो डिग्री मेजर होता है एक स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री होता है, तो यस ये ट्रू है। ए नंबर को हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो मेजर होता है ऑब्ट्यूज एंगल का वो लेस होता है 90 डिग्री से, नहीं ये फॉल्स है। जो मेजर होता है ऑब्ट्यूज एंगल का वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, तो ये बी नंबर आपका फॉल्स है। सी नंबर देखिए, इफ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 40 डिग्री देन एंगल ए बी सी इज रिफ्लेक्स। अगर जो मेजरमेंट है एंगल ए बी सी का वो 40 डिग्री है तो एंगल ए बी सी रिफ्लेक्स है, नहीं वो रिफ्लेक्स नहीं वो एक्यूट होगा, तो ये आपका फॉल्स है। डी नंबर देखिए, इफ़ द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 77 डिग्री देन एंगल पी क्यू आर इज एक्यूट। अगर जो मेजरमेंट है एंगल पी क्यू आर का वो 77 डिग्री है तो एंगल पी क्यू आर एक्यूट है, येस है ट्रू। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है तो ये ट्रू है। ऑब्ट्यूज एंगल लेस होता है 90 डिग्री से, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। जो मेजर एंगल एबीसी का 40 डिग्री है तो ये एबीसी रिफ्लेक्स है, ये भी फॉल्स है। एंगल पीक्यूआर अगर 77 डिग्री है तो एंगल पीक्यूआर क्या है, एक्यूट है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी नंबर क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसको हम मैच करेंगे एक्यूट से। 360 आप कैसा है आपका, ये कंप्लीट एंगल होता है, इसको मैच करेंगे कंप्लीट एंगल से। ठीक है, 180 डिग्री आपका स्ट्रेट एंगल है। 275 कैसा होता है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। 90 डिग्री आपका राइट एंगल है। 114 डिग्री आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, 40 डिग्री एक्यूट एंगल, 360 डिग्री आपका कंप्लीट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 275 डिग्री रिफ्लेक्स, 90 डिग्री राइट एंगल, 114 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे। एक्यूट ये ए होगा, कंप्लीट में बी डाल दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेट में सी, रिफ्लेक्स में डी, राइट में ई और ट्यूज में एफ। ठीक है, तो एक्यूट में ए, कंप्लीट में बी, स्ट्रेट में सी, रिफ्लेक्स में डी, राइट में ई एंड ऑब्ट्यूज में एफ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है बिल्कुल आपका सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंड फिल इन द टेबल गिवन। हमें क्लासीफाई करना है दिए गए एंगल्स को कैसे, एज एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंड फिल करना है दी हुई टेबल में। ठीक है, तो देखिए ए नंबर क्या है 15 डिग्री, ये एक्यूट है। बी नंबर क्या है 110 डिग्री, ये आपका ऑब्ट्यूज है। सी नंबर क्या है आपका 40 डिग्री, ये भी एक्यूट है। देखिए मैं यहीं पे सॉल्यूशन लिख दे रही हूँ लेकिन आप इसे नोटबुक में अच्छे से करिएगा। 15 डिग्री मतलब ये एक्यूट है, 110 डिग्री है मतलब ये ऑब्ट्यूज है, 40 डिग्री भी आपका एक्यूट एंगल होता है, 282 आपका रिफ्लेक्स है, 170 डिग्री आपका ऑब्ट्यूज है, 111 भी आपको ऑब्ट्यूज है, 303 आपका रिफ्लेक्स है, 25 डिग्री आपका एक्यूट है, 125 डिग्री आपको ऑब्ट्यूज है, 178 डिग्री आपको ऑब्ट्यूज है, 89 डिग्री आपका एक्यूट है, 350 डिग्री 357 आपका रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो देखिए 15 डिग्री एक्यूट, 110 डिग्री ऑब्ट्यूज, 40 डिग्री एक्यूट एंगल है, ये रिफ्लेक्स है, ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये रिफ्लेक्स है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है एंड ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन में कि जो भी
एंगल जिस टाइप के हैं उन्हें यहाँ फिल करना है। तो देखिए एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखिए एक्यूट कौन कौन से हैं, 15 डिग्री, 40 डिग्री और 25 डिग्री और 89 डिग्री। 15 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री एंड 89 डिग्री। ऑब्ट्यूज देखिए कौन कौन से हैं, 110 डिग्री, 170, 111, 125 एंड 178। 110 डिग्री, 170 डिग्री, 111, 125 एंड 170 ये ऑब्ट्यूज हैं। अब देखिए रिफ्लेक्स कौन से हैं, 282 डिग्री, उसके बाद 303 डिग्री, उसके बाद 357 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स हैं आपके 282, 303 एंड 357 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। विथ रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मेजर द एंगल्स टू फाइंड द टाइप ऑफ एंगल। ये जो डायग्राम बना है इसको देखकर हमें बताना है कौन से हमें टाइप करना है, राइट द टाइप मतलब लिखना है टाइप हर एक एंगल का और मेजर करना है एंगल्स को फाइंड करने के लिए टाइप ऑफ द एंगल। मतलब जो ये डायग्राम दिया है इसमें जितने भी एंगल्स बना है उनका मेजरमेंट भी फाइंड करना है और ये भी बताना है कि कौन किस टाइप का ये एंगल बन रहा है इनमें। तो एंगल FAB यानी ये एंगल, आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, बेस लाइन ऐसा रखेंगे और मेजर करेंगे। जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा एंगल FAB, चाहे ऐसे करके मेजर करिए चाहे ऐसे करके मेजर करिए, दोनों में लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, तो FAB कितना है आपका 111, कितना है FAB 111 डिग्री। ठीक है, और 111 क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो टाइप क्या है इसका, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल बी इज ABC, एंगल ABC यानी ये एंगल, तो ये कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंगल AFE कैसे रखेंगे, प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे और ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो एंगल AFE आपका कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पर आ रही है लाइन 90 डिग्री से ऊपर, 100 में आ रही है। तो एंगल AFE आपका है 100 डिग्री। 100 डिग्री का मतलब है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल FED, ठीक है, ऐसे रखिए चाहे इधर ऐसे, ये मतलब देख लीजिएगा जैसे भी सही लगे आपको। तो FED मतलब पॉइंट E में ही रखेंगे, तो ये रखा, जब इसको ऐसे मेजर करेंगे तो FED आपका लगभग आ रहा है 80 डिग्री। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 80 डिग्री। ठीक, 80 डिग्री है मतलब एक्यूट एंगल है। एंगल CDE देखने से पता चल रहा होगा आपको, रिफ्लेक्स एंगल है 180 से ज़्यादा है। तो पहले आप ऐसे मेजर करके, ये तो 180 है, फिर इसको आप ऐसे रखेंगे, ये बेस लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करके फिर ये एंगल को मेजर करेंगे, फिर 180 में जितना ये एंगल आएगा उसे प्लस कर देंगे, तो ये आ रहा है लगभग 260 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एंगल FAB 111 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री, एंगल ABC 90 डिग्री राइट एंगल, एंगल AFE 100 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल FED 80 डिग्री एक्यूट एंगल, एंगल CDE 260 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। 111, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 260 डिग्री, ऑब्ट्यूज राइट, ऑब्ट्यूज एक्यूट एंड रिफ्लेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में।